स्काउट ने इस तरफ मुझे देख लिया है और हंटर दरवाजे के सामने आ चुका है। मेरी एक आवाज़ पे ये जहाँ कहीं छुपे होते हैं ना, ऐसे भाग के आ जाते हैं। अब स्काउट को तो पता चल चुका है कि उसके फीडर का टाइम है, लेकिन हंटर जो है ना, इसे अभी तक खाना नहीं मिला, इसे थोड़ी सी देर के बाद खाना मिलेगा। दोनों को इकट्ठे खाना देता हूँ ना, फिर एक दूसरे को तंग करते हैं। अभी पहले मैं इसको फीड करवाऊंगा और फिर इसके पास बैठकर ही मैं खुद इसे खाना खिलाऊंगा। ओहो, लड़ाई नहीं करनी अब एक दूसरे के साथ, लड़ाई रुक जाओ तुम्हें बाद में मिलेगा। वो देखें बर्तन की तरफ जा रहा, उसे पता है कि उसके बर्तन में अब खाना मैंने रखना है, और इसको भी पता है। पहले मैं ना इसको जल्दी से फीड करवा लेता हूँ। ये देखें, आराम से यार, सारा तुम नहीं पीना है। अब ये बाहर आ गया इसको तंग करने के लिए, मिलेगा, दो मिनट सबर कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारा खाना मिलेगा। देखें अभी भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लगता है एक फीडर और पीने का इरादा है इसका। मेरे पीछे नहीं आओ, भाग के जाओ और थोड़ा सा खेलो कूदो, मैं तब तक हंटर के लिए खाना लेके आता हूँ। जाओ चुप कर जाओ, हंटर तुम्हारे लिए खाना लेके आ गया हूँ। चलो अपने घर की तरफ चलो, वहीं पर मिलेगा। आ जाओ, फिलहाल मैं और तुम हम दोनों यहाँ पर टाइम गुजारते हैं, क्योंकि नवाब साहब जो है ना, वो इस वक्त अपना खाना खा रहे हैं, और उसके पास अगर कोई इस वक्त जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उसके खाना खाने तक मुझे और साथ में स्काउट को यहीं पर इंतज़ार करना पड़ेगा। शाबाश, अभी इसके खेलने का टाइम हो गया, अभी ये भागेगा दौड़ेगा। ये देखें, ये इसकी एक्सरसाइज का टाइम है, अभी आधा घंटा एक घंटा कुछ पता नहीं है भाई, सारा ज़माना सो चुका है, सिर्फ अगर कोई जाग रहा है या मैं हूँ या फिर ये दो हैं। मेरे नए सूट का ये हाल हंटर ने किया है और बाकी ये हाल इसने चबा चबा कर दिया। अब तो मेरी पक्का घर से भी बेइज्जती होगी कि भाई तुम नया सूट पहन कर गए थे, इसका क्या हाल करवा दिया है इन दो नमूनों से। फार्म हाउस में पता नहीं मेरे अल्फा को क्या हो गया, एकदम से उसने चिमटा चलाना शुरू कर दिया। देखिए अब भी उसकी आवाज़ें आ रही हैं। क्या हो गया अल्फा, चली क्या हुआ है, क्या हो गया, एक मिनट क्या हुआ है। लगता है इन्होंने यार यहाँ पर कोई बिल्ली देख ली है, इसी वजह से चीख चला रहे हैं, वरना ऐसे चीख चलाते नहीं हैं। क्या करूँ, बाहर निकालूँ, चलो निकलो, चलो काफ़ी टाइम हो गया बाहर रह लिया। ये देखें दोस्तों, 12 तो होने वाले हैं भाई, 10-15 मिनट रह गए हैं, अब इनको भी घुमा फिरा लिया। चलो सो जाओ, मुझे भी जाके सोना है। हंटर जल्दी करो यार, मेरे पास टाइम नहीं है, कितना लेट करोगे, 12 पहले ही बज चुके हैं। सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, इसको वापस पिंजरे के अंदर बंद करना होता है। देखिए बच्चों की तरह कैसे ढीठ बना हुआ है, यहाँ नीचे लेट गया था, अब वहाँ पर भी लेटा हुआ है। अब ये देखें, उठो सीधे हो जाओ, चलो सीधे हो जाओ यार, बहुत ज़्यादा आजकल ये शरारती हो गया, बहुत ज़्यादा शरारती करते हैं, और जब ये शरारते करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगता है यार। जल्दी से इसको बंद करता हूँ, लाइटें भी बंद करता हूँ, मैं चाबी ही भूल गया था, फिर से लेने आए। और आजकल दिमाग काम ही नहीं कर रहा, इतने काम होते हैं ना कि करने के बाद ना भूल ही जाता है बंदा सब। दरवाज़ा कर दिया बंद और मैं यहाँ से ना भाग के निकलूंगा, हंटर और स्काउट की चीखने चिल्लाने की। स्काउट तो है, उसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन हंटर की आवाज़ ना घर तक जाती है। दिन वो सारा सोता है और रात वो ये कहता है कि बस मैं उसके साथ खेलूं, लेकिन मजबूरी यार, मुझे भी जाके सोना होता है। फिर दिन को वही इतने ज़्यादा काम, पेट्स लवर बनना कोई आसान काम नहीं है, अपना सब कुछ छोड़ देना पड़ता है सिर्फ इनके लिए। अभी मैं इतनी केयर करता हूँ, फिर भी मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, इनकी हिफाजत नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है, तुम ये रखना छोड़ दो, अगर मैं इनकी थोड़ी सी केयर कम कर दूँ तो फिर क्या होगा। इसलिए भाई, एक तो पेट लवर बनना और दूसरा पेट्स व्लॉगिंग करना ना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे क्या पता, उधर रखा नहीं है, ताला भी खुला हुआ है, तो अब्बू ने खोला होगा ना। अब्बू ने क्या करना, अब्बू भी कभी कभी निकाल देते हैं, उधर ही होगा, इधर कहीं घूम रहा होगा। अब्बू से पूछना था ना यार, अब्बू को पता होगा, या फिर देखो इधर किसी क्यारी वगैरह में इधर ही खेल रहा होगा, वो यहीं पर होता है, उसने कहाँ जाना। मैंने सब जगह रखा है, देखा नहीं है। ये तो इधर ही है, इधर देखे कहीं, यहाँ पर भी वो बैठा है, कोनों में देखा है, हर जगह देखा नहीं है, फिर उसने कहाँ जाना यार। ताला किधर है, तो ताला भी टूटा हुआ है। हाँ, तुमने देखा नहीं था। नहीं, मैंने नहीं देखा, ताला टूटा है या नहीं टूटा। ये कैसे हो सकता है कि ताला टूट गया, कैमरा ही बंद है, कैमरा तो ये वाला बंद है, चल ही नहीं रहा ये। तो दोस्तों, इसकी तार खराब हुई थी और वो उस कैमरे का भी मुंह उस तरफ है। अब कैसे पता लगा यार, जहन से ही बताओ ना, ऐसे मजाक नहीं करो। नहीं पता भाई, मैं क्यों ताला तोड़ूंगा, मैंने खोलना तो था, चाबी ले लेता। इधर रुको, मैं आता हूँ, मुझे अब्बू से जाके पता करना पड़ेगा ये ताला ऐसे टूटा पड़ा कहीं, अबू ने तो नहीं गुस्से में तोड़ दिया। मैं आज थोड़ा सा लेट उठाऊँ, रात को मैं लेट हो गया था, सोते पता नहीं चला, ऐसे ना हो कि अबू मुझे जगाते रहो, मैं उठा ना हूँ और फिर उन्होंने ताला ही तोड़ दिया गुस्से से। अबू तो घर पर नहीं हो यार, चाबी तो मेरे पास थी, ताला ऐसे कौन खोल सकते, और ऊपर ऐसे टूटा हुआ, मैं चाबियाँ लेके आता हूँ। नजर आया कहीं, चाबी तो मेरे पास है यार, चाबी
लगता है कोई ले गया। कोई ले कैसे गया? मतलब यहाँ से ये सारा कुछ इतना यहाँ से कोई ऐसे उठा के ले गया? कैमरे बंद है। अजीब बात करते हो यार, यहाँ से कोई उठा के ले गया? इसे भी कोई नहीं उठा के लेके गया, सिर्फ उसे को उठा के लेके गया। इधर आओ मेरे साथ, ढूंढते हैं उसको। कोई उठा के ले गया ताले को, कुछ समझ। ये देखो ताला भी टूटा है। ताले को बाद में देखते हैं, मुझे इस कैमरे को देखने दो। इस कैमरे का मुंह भी यार दूसरी तरफ है, क्योंकि ये सारी साइड में देखता रहता हूँ कभी कभी। अब वो कैमरा भी, ये देखो ये कैसे खुला हुआ था, क्या था इसका, तुमने देखा? मैं सच बात बता रहा हूँ, मुझे जो भी बात है ना सच बता दो, ठीक है ना? बाद में मुझे पता चलेगा ना, ये मैं छोड़ूंगा नहीं फिर। ये कोई मजाक करने वाली बात तो नहीं है ना यार, कि यहाँ से शेर गायब हो गया है? सारे घर पे हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा कि ये तारे लगी हुई हैं, यहाँ कोई आया और फिर हमारे शेर का ऐसे ताला तोड़ के ले गया और किसी को खबर भी नहीं हुई। आखिरी जहाँ से अब भी बता दो। मुझे नहीं पता सच में, अब मुझे लग गया पता। क्या यहाँ पर बैठे हुए ना भाई साहब? ये तो आपका सुबह का इंतजार कर रहे हैं। टाइम देखे सुबह से मैंने कुछ 10 कॉल किए। हंटर किधर है? ये क्या मतलब हंटर किधर है? ताला टूटा हुआ है। हाँ। जब शैतानी बंदा आ जाता है ना तो उसके माइंड में इस तरह की चीजें आती हैं। हमने भाई कुछ भी नहीं किया। जैन अभी मैं बोल रहा हूँ, टाइम है। सच में मुझे यकीन करो मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। हंटर गायब है, ताला टूटा हुआ है। सुबह से मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैंने जो कितनी दफा कैश को उठा जाके। भाई आपने बोला हंटर, ये मेरी तलाशी ले ले भाई। जेब में शेर तो जेब में नहीं आता ना, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। ये देखो ताला टूटा हुआ है और उसका पिंजरा भी नहीं, मतलब पिंजरे के अंदर वो नहीं है, वो गायब है वहाँ से। भाई साहब मुझे कोई नहीं बताया रहा है, मैं एक सुबह से अपना जलील हो रहा हूँ, ऊपर से आ गई ये काम। भाई चल यार जिधर जाना है मुका यार। अच्छा बताओ ना, बैठो बैठो बताओ ना, किधर है, किधर छुपाया है, हालत चेक करें। अच्छा एक दफा बोल दो कि हमने छुपाया है। मेरा भाई नहीं, एक दफा बोल दो कि हमने छुपाया, फिर मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। हमने धोया जू ने मुझे बताया ना कि वहाँ हंटर नहीं है, मैं वहां से भागा 11:30 और मुंह हाथ नहीं धोया। ये देख बस मैं रात को यकीन करो रात में बहुत लेट यार, अभी नई स्टोरी शुरू कर दी सुबह सुबह। भाई चल यार देर हो रही है यार, मुझे कोई नहीं पता हंटर मंटर यार। इसको भी भूख लगी है, इसको मैंने फीड करवाना है, ये भी लेट हो रहा है। वो देखो भूखा मेरे साथ बेचारा घूम रहा है। भाई मुझे नहीं पता यार, सीरियसली मैं तू यार हम आपके साथ क्यों मजाक करेंगे? हां इधर ही कहीं होगा मुझे पता, देख ले। बस बस यार इधर क्या है यार, उसने इतना शोर मचा दिया। देख तेरी आवाज सुनते साथ ही कितना ज्यादा इसने शोर मचाया मेरी आवाज सुनते। इसके साथ क्या किया, ये गुस्सा देखो कितना कर रहा है। हमने इसको बंद किया, इसी को काटो, इसी को काटो। जैसे बच्चा माँ से मिला यार, इसने कितना शोर मचा दिया था यार। यार तो ये हरकत की क्यों है तुम लोगों ने? अच्छा हम करें तो गलत, ये करें तो सही। 11:30 हो गया, मैंने सही किया या आप लोग कमेंट्स में बताएं, या इसने सही किया मेरे साथ? यार ये गलत बात है, यकीन करो मैं इतना परेशान हो गया था। घर के अंदर ही है ना, घर के अंदर क्या नुकसान तो हो गया ना, ये इतना महंगा ताला एक मुझे नया लाना पड़ेगा। ये नुकसान हो गया, हम ले आ देंगे। मेरे जोरे बाजू टूटे हैं, बड़े जोर लगे, दोबारा लगेगा मैंने, मुझे लगता है। कहाँ लगेगा अब, इजाज़ भाई के हाथ लगे हुए हैं। चल भाई उठ यार, उठ यार। ये देखो मैं तुझे दिखाऊंगा पूरा सीन भाई, बड़ा फिट सीन बना। इसने अगर मेरी आवाज सुनी ना तो ये चुप ही रहता, ये खामोश रहता। ये बोला हूं ना कितनी देर से मैं यहां बैठा हूं, बिल्कुल चुप रहूंगा। मैं तुझे वीडियो दिखाता हूं भाई। क्या पूरी वीडियो शूटियो भी बनाई है? पूरी वीडियो बनाई है भाई, ये देख बड़े मजे की वीडियो बनी है। अच्छा मतलब ये पूरा ताला तोड़ने का सीन भी बनाया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ऐसे हुआ है, इस तरह नहीं हुआ, बड़ी जोर लगी है। ये दोस्तों मैं आपको पूरी वीडियो ना ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगा। ये प्रॉपर ताला तोड़ रहे हैं और साथ में उसकी वीडियो भी बना रहे हैं, और तुम्हारे साथ मिला हुआ है भाई। ये मिला हुआ नहीं है यार, मैंने मिला हुआ नहीं, ये किसने कुछ भी नहीं दिया। देखो इधर एक मिनट, कोई नहीं है ही नहीं है, इसने कहा मैंने ताला तोड़ा। ये जा रहा है, ये जा रहा है। तुमसे मैंने पूछा था ना कि ये हरकत नहीं किया। अच्छा यार नहीं, एक मिनट इधर आओ, इधर आओ, ये मिला हुआ था साथ, कोई नहीं। मैं इसे पर्सनल में, ये मजाक इस तरह का मजाक करते हैं, ताला भी तोड़ दिया जाकर, और साथ में मुझे भी इतना ज्यादा परेशान किया है। अब यो मेरे साथ जल्दी से इनका खाना लेके इनको पहले फीड करवा दें। ये मेरी शरारत थी, वो तो अब बात की बातें हैं जो करना है मैंने। जल्दी से हो पहले इनके लिए खाना, ये देखो ये भी, इसको भी खाना खिलाना है और उसको भी फीडर इसके लिए बिलाना है। आ जाओ भाई आ जाओ, अब ये गुस्सा कर रहे हैं, इसने मेरे ना पाँव पे भी काटा है। इसका अब अचार डालना है, इसको सर में मारना है, ऐसे ही सारा खराब हो गया। अब इसका क्या फायदा, इसको फेंकना पड़ेगा। ये देखो ये अभी इसने मुझे यहाँ पर इतने जोर से काटा है, पता नहीं इसके साथ क्या किया है। इसे कैसे लेके गए हो? निकाल के बस ऐसे उठा के ले गए हो, तो इतने अग्रेसिव क्यों हुआ हुआ? यकीन करे सच में परेशान हो गया था। चलो कोई मजाक किया था आपके साथ, कर लो कर लो, जितने दिल में मजाक कर लो। जिस दिन मैं इस तरह का मजाक करूंगा ना, अब किसी दिन मैं तुम्हें किडनैप करूंगा और तुम्हारे अब्बू को कॉल करके बोलूंगा कि वो तो यहाँ आया ही नहीं है। फिर पता चलेगा जब तुम्हारे अब्बू तुम्हें ढूंढेंगे ना एक दो दिन आगे पीछे,
उसके बाद फिर मैं उनसे पूछूंगा कि हाँ भाई कैसे कोई चीज गुम हो जाए तो बंदा परेशान होता है। अभी ये बेचारे भूखे हैं, इनको पहले फीड करवा लो। आ जाओ यार, इससे तो सब्र ही नहीं होता, ये मेरे पीछे पीछे ना घर तक आ जाता है, बल्कि ये तो घर के अंदर भी आ जाता है अगर इसे ना ऐसे मैं बुलाता हूँ तो। मेरे साथ ये इतना अटैच हो गया, और हंटर ने दूसरी तरफ इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ, यहाँ तक आवाज़ें आ रही है। पहले मैं इसको फीड करवा लूँ ना, फिर मैं जाकर ना उसको खाना खिलाता हूँ। यार मुझे पता ही नहीं था हमारे हंटर का ना गोश्त खत्म हो गया था, तो इसलिए मैं जल्दी से चला गया था गोश्त लेने के लिए। अभी फिर से मुझे देखेगा चीखना चलाना शुरू कर देगा। जल्दी से जाते हैं और उसको खिलाते हैं। अब तो नहीं काट रहा, अब काट तो नहीं रहा, लेकिन खेल जरूर रहा है। अब इसने अच्छे से खाना खा लिया ना, अपन इसके पास ही रुकना है यहाँ पर। देखा पहले ही तुमने मेरा सारा दिन, मतलब सारा मेरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी वजह से। मैंने तो मजाक किया है आपके साथ। अभी तो मैं वो दूसरी वीडियोस भी देखूंगा जो दूसरे मोबाइल में है। तुमने सारा पूरा पूरा साथ दिया, और ये कैमरे वाली बात भी तुमने ही बताई है। अगर तुम ना बताते ना तो वो ये सारी हरकत करता ही नहीं, और फिर ऐसे सब कुछ होता ही नहीं। चलो खैर, अभी तुम इसके पास रुको, मोबाइल मुझे दो। मैंने तो 200 ना नाश्ता किया और ना ही अभी तक मुँह हाथ धोया है, बस मुझे इसकी टेंशन शुरू हो गई थी। खैर अभी मैं जाता हूँ, और जाहिद क्यों आया ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। हमने कहीं जाना था, लेकिन आपको पता है मैं रात को यहीं से थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी लेट आँख खुली है। तो मैं अपनी नींद पूरी कर रहा था, और मेरी नींद पूरी करते हुए ना इन्होंने ये मेरे साथ खेल खेल लिया। तो खैर आज के व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में, याद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखो फिर से आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया। उसके पास जहन उधर ही है, लेकिन फिर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया।